हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? तो आप लोगों का मेरे चैनल होम केमिस्ट्री क्लासेस पर स्वागत है। आज बात करने वाले हैं नॉमनक्लेचर की, जो कि एल्डिहाइड और कीटोन की नॉमनक्लेचर की बातें करेंगे। यहां पास अगर बात कर ले, एल्डिहाइड किसे कहते हैं तो हमने इसके पहले पढ़ ही चुके हैं। अगर जो कार्बोनिल है उस पर उपस्थित जो कार्बन है उसकी अगर वैलेंसी एक एल्काइल ग्रुप से और एक जो कि हाइड्रोजन से फुलफिल हो तब उसे एल्डिहाइड, और अगर कार्बोनिल के जो कार्बन है उसके जो वैलेंसी कार्बन से या एल्काइल ग्रुप से कंप्लीट हो दोनों के दोनों तब उसे जो कि कीटोन कहा जाता है। तो इसकी अगर आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर की बातें करें तो इस तरह से देखते हैं। सबसे पहले तो यहां पास आखिर एल्डिहाइड के बारे में देख ले। देखिए, जो एल्डिहाइड होता है वह जनरली हमें दो तरह से मिलेगा। एक एल्डिहाइड जो कि एलिफेटिक होगा और एक एल्डिहाइड जो कि एरोमेटिक होगा। तब होगा इस तरह से, देखिए जो एल्डिहाइड है वह एलिफेटिक और एरोमेटिक तो होता ही है, लेकिन इस एल्डिहाइड की अगर बात कर ले तो यहां पास इसकी जो नेमिंग है वह नेमिंग जनरली दो तरह से देखेंगे। एक जो कि कॉमन नेम की बात करेंगे और एक बात कर लेंगे तो यहां पास आईयूपीएससी नेम की बात कर लेंगे। वैसे ही अगर बात कर ले कीटोन की तो कीटोन पर भी इस तरह से दो होगा। एक तो होगा यहां पास एलिफेटिक कीटोन और एक होगा जो कि एरोमेटिक कीटोन। और इस एलिफेटिक और एरोमेटिक कीटोन की अगर आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर की बातें करें, इस तरह से आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर की बात कर ले या फिर इसकी नेमिंग की बातें करें तो यहां पर इसकी नेमिंग भी दो तरह से पढ़ेंगे। एक जो कि कॉमन नेम पढ़ेंगे और एक पढ़ेंगे यहां पास जो कि आईयूपीएससी नेम की बातें करेंगे। तो चलिए यहां पास वीडियो के स्टार्ट कर ले। आखिर आईयूपीएससी नॉमनक्लेचर या कॉमन नेम को एल्डिहाइड और कीटोन की कैसे देखते हैं? तो सबसे पहले इस एल्डिहाइड की कॉमन नेम की बात कर ले। तो देखिए, जो एल्डिहाइड होता है उस एल्डिहाइड को जनरली जो फैटी एसिड होता है उस फैटी एसिड के उत्पन्न माना जाता है, या इसे इस तरह से कह सकते हैं कि जो फैटी एसिड होते हैं उसकी जो रिडक्टिंग प्रोडक्ट बनता है उसको जो कि एल्डिहाइड कहा जाता है। एग्जाम्पल इस तरह से फैटी एसिड की बात कर ले, जैसे कि एसिटिक एसिड। अब इस एसिटिक एसिड में अगर रिडक्शन कराया जाए तब उस कंडीशन में होगा इस तरह से कि यहां से जो इक एसिड है, एक एसिड वह बाहर निकल जाएगा और उसके जगह में जो कि एल्डिहाइड ऐड कर देंगे तब इसकी नाम जो कि एसिटिल्डिहाइड हो जाता है, जो कि इसकी यह कॉमन नेम होता है। एग्जाम्पल इस तरह से CH3COOH है, इसकी अगर ऑक्सीजन बाहर निकल गए तो यहां से CH3 और CHO रह जाते हैं जिसे एसिटेल्डिहाइड कहा जाता है। तो इसकी कॉमन नेम में अगर बात किया जाए तो इसकी कॉमन नेम में जो कि एल्डिहाइड ऐड किया जाता है। और अगर इसकी आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर की बात कर ले तो इसकी आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर इस तरह से होगा। अगर इसकी एल्केन से रिलेट करें, अगर इस तरह से जो एल्केन है और इस एल्केन से इस ई को बाहर निकाल दिया जाए और उसके जगह में इस तरह से अल ऐड कर दिया जाए जिससे इनका नाम एल के नल हो जाता है, और यही एल के नल जो कि इसकी आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर बनाता है। जैसे कि इसी की बात की, यहां पास कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 2 है, और यह जो कि आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर की बात करें तो इनका आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर जो कि एथेनॉल हो जाते हैं। यहां पर चलिए बात करते हैं कीटोन की। तो कीटोन में क्या होता है कि अगर इस तरह से
जो कार्बन है वह जो वैलेंसी है उसके दोनों वैलेंसी पर जो कि एल्काइल ग्रुप से फुलफिल हो तब वह कीटोन कहलाए, और यह कीटोन जो कि एलिफेटिक भी हो सकता है और एरोमेटिक भी हो सकता है। अगर इसकी कॉमन नेम की बात कर ले तो इनकी कॉमन नेम पर जैसे कि एल्डिहाइड पर एल्डिहाइडेट किए थे, वैसे ही इसकी कॉमन नेम पर जो कि कीटोन शब्द को ही एड कर दिया जाता है। और इनकी IUPAC नोमेनक्लेचर की बात कर ले तो इनकी जो एल्केन वाला फॉर्म से अगर लिया जाए तो इस एल्केन फॉर्म से यह ई जो है रिमूवल हो जाता है और उसके जगह में ONE एड हो जाता है जिसे ओन कहा जाता है। तब इसकी IUPAC नोमेनक्लेचर जो कि एल्के नोन रह जाता है। तो यहां पर इसकी IUPAC नोमेनक्लेचर हम लोग यहां पर पढ़ने वाले हैं। अगर इस IUPAC नोमेनक्लेचर की ट्रिक की बात कर ले, इस तरह से ट्रिक ले लेते हैं, तो क्या देखें हम लोग, जो एल्डिहाइड है या फिर जो कीटोन है इस पर होगा इस तरह से। IUPAC नोमेनक्लेचर के लिए एल्डिहाइड पर अल एड कर देते हैं और कीटोन पर, ये इस कीटोन में जो ओन है उस ओन को एड कर देते हैं, तब इसकी जो फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड से अल और कीटोन से ओन एड करने से इसकी IUPAC नोमेनक्लेचर की जानकारी लिया जा सकता है। चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। चलिए इस तरह से इस एल्डिहाइड की जो IUPAC नोमेनक्लेचर है उदाहरण से समझते हैं। तो सबसे पहले अगर यहां पर इस तरह से बात कर लें तो इसकी देखो जो IUPAC नोमेनक्लेचर के लिए कुछ कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशन नंबर फर्स्ट, सबसे पहले तो लंबी श्रृंखला होना चाहिए, वो भी कार्बन का। सेकेंड नंबर, जो फंक्शनल ग्रुप यहां पास एल्डिहाइड है, जो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप जिसे सी डबल बॉन्ड ओ और इस तरह से एच है, यह प्रेजेंट होना चाहिए और इसकी प्रेजेंट होने से इस फंक्शनल ग्रुप के जो एल्डिहाइड पर कार्बन है उसे जो कि काउंटिंग करेंगे। उसके बाद थर्ड रूल इस तरह से, और जो ब्रांच मिलता है उस ब्रांच को भी यहां पास काउंटिंग करना है। तो इस तरह से तीन रूल को देखते हुए चलेंगे। यहां पास सबसे पहले तो कार्बन की लंबी श्रृंखला रहना चाहिए, दूसरा उस पर एल्डिहाइड की फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, तीसरा नंबर वहां पास जो कि ब्रांच को देखेंगे, फोर्थ नंबर इस तरह से कह सकते हैं कि उस पर आखिर सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है या ट्रिपलेट बॉन्ड है। इस तरह से इनकी बातें करते हुए चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट की बात कर ले, CH, HCHO, इनकी अगर बात कर ले, इन पर कॉमन नेम की बात कर लेंगे पहले तो इनकी कॉमन नेम जो कि फॉर्मेल्डिहाइड है, और इस फॉर्मेल्डिहाइड की अगर IUPAC नोमेनक्लेचर की बात कर ले तो इसकी IUPAC नोमेनक्लेचर जो कि कार्बन की संख्या एक है, और कार्बन की संख्या एक होने से इस तरह से होता है, अगर कार्बन की संख्या वन हो जिसे मेथ कहा जाता है, कार्बन की संख्या टू हो तो उसे एथ कहा जाता है, कार्बन की संख्या थ्री हो तो उसे प्रोप कहा जाता है, कार्बन की संख्या अगर फोर हो तब उसे जो कि ब्यूट कहा जाता है, कार्बन की नंबर फाइव हो तो उसे पेंट कहा जाता है, कार्बन नंबर सिक्स होने से उसे जो कि हेक्स कहा जाता है। इस तरह से इसको तो पहले से पढ़ ही चुके हैं। अगर इस पर देखिए कार्बन की संख्या जो कि एक है, और कार्बन की संख्या एक होने से उसे जो कि मेथ कहा जाता है, तो इसकी IUPAC नाम जो कि मेथ रह गए। देखिए इस कार्बन पर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपलेट बॉन्ड है, अगर सिंगल बॉन्ड हो तो उसे जो कि एन लिखा जाता है, डबल बॉन्ड रहे तब उसे इन लिखा जाता है, ट्रिपलेट बॉन्ड रहे तब उसे जो कि आइन लिखा जाता है। यहां पास सिंगल बॉन्ड एक ही है तो जो कि मेथ एन है, और इस ई को हटाकर जो कि पहले भी बोले हैं एल्डिहाइड अगर फंक्शनल ग्रुप है तो अल लिख दे, तो इनका IUPAC नामकरण जो कि मेथेनल रह जाता है। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड की बात कर लें, अगर इसकी कॉमन नेम की बात कर ले तो इनके कॉमन नेम जो कि
एसिटेल्डिहाइड है, एसिटेल्डिहाइड जो कि एसिटिक एसिड के उत्पन्न माना जाता है। लेकिन अगर इसकी आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर की बातें करें तो इनकी आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर इस तरह से देखें, कार्बन नंबर वन और कार्बन नंबर टू है, इस पर फंक्शनल ग्रुप की कार्बन को एड करना है क्योंकि हमको लंबी श्रृंखला लेना है कार्बन की, तो कार्बन नंबर टू होने से इसे एथ कहा जाता है। और देखें कि यहां पास कहीं डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, और यहां पास सिंगल बॉन्ड होने से मेथ एन हो जाएगा, ई हटा फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड जिस पर अल जुड़ जाएगा, तब इसका नाम जो कि एथेनल रह जाता है। वैसे ही यहां पास एग्जांपल की बात कर ले, कार्बन नंबर वन टू और थ्री है, और जब कार्बन नंबर थ्री हो और उसकी फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड हो तो इसे जो कि प्रोपियोनिक एसिड कहा जाता है, और इनकी जो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होने से प्रोपेनल्डिहाइड कहा जाता है, तो इनकी नाम जो कि कॉमन नेम प्रोपेनल्डिहाइड हो जाता है। लेकिन इसकी आईयूपीएसी के नाम बात किया जाए, नंबर कार्बन वन टू थ्री और थ्री रहता है, इसे प्रोप कहा जाता है, और जो कि सिंगल बॉन्ड वाला ही कंपाउंड है, और सिंगल बॉन्ड वाला कंपाउंड पर एन जोड़ देते हैं, और ई हटने से उस पर फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड हो तो इस तरह से अल लग जाता है जिसे प्रोपेनल कहा जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल की बात कर ले, कार्बन नंबर वन टू थ्री और यहां पास फोर कार्बन है, और कार्बन नंबर फोर होने से इसकी कॉमन नेम की बात करें तो इनकी कॉमन नेम इस तरह से जिसे ब्यूटेल्डिहाइड कहा जाता है, और इसकी जो आईयूपीएक नेम होता है वह जो कि ब्यूट वाला है, सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूट एन नल जो कि इनकी कॉमन नेम है, और इस कॉमन नेम पर देखें तो एक लंबी ब्रांच है तो इसे एन ब्यूटेनल्डिहाइड कहा जाता है या एन ब्यूटेनल भी कहा जाता है। एग्जांपल नंबर फाइव की बात कर ले, वन टू थ्री कार्बन, यहां पास एक ब्रांच आ गए हैं, अब ब्रांच आए उस साइड से हमको कार्बन की संख्या काउंट करना है वन टू थ्री, तो यहां पर सेकेंड नंबर पर जो कि मेथेन है, और इसके अगर कॉमन नेम की बात कर ले तो यहां पर इस तरह से बोल सकते हैं, यह कार्बन के बाद जो कार्बन है अल्फा और यह जो कि बीटा पोजीशन पर है, तो इसे इस तरह से लिख देंगे अल्फा मेथिल और तीन को जो कि प्रोपेनल्डिहाइड, यहां पर प्रोपेनल्डिहाइड कहा जाता है, प्रोपेनल्डिहाइड इनका आईयू यहां पर कॉमन नेम हो जाता है। लेकिन इसकी अगर आईयूपीएक के नेम की बात किया जाए तो इस तरह से आईयूपीएक नेम लिखते हैं, यहां पर वन टू थ्री टू पोजीशन पर मेथाइल ग्रुप, तो इसे लिख देंगे यहां पर इस तरह से टू मेथाइल, उसके बाद वन टू थ्री और थ्री को जो कि प्रोप कहा जाता है, और यहां पर सभी सिंगल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड होने से प्रोप एन एल्डिहाइड अल जोड़ देंगे, तो इस तरह से इनकी आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर टू मेथाइल प्रोपेनल रह जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल की बात कर ले, वन टू थ्री फोर या वन टू थ्री फोर, अगर इस साइड से जाए तो इसकी ब्रांच जो कि वन टू थ्री पोजिशन पर जा रहे हैं, इस साइड से जाए तो इसकी ब्रांच जो कि टू पोजिशन पर जा रहे हैं, और जब टू पोजिशन पर और थ्री पोजिशन पर ब्रांच है तो मेन प्रोबेबिलिटी यहां पर जो प्रोबेबिलिटी रह जाता है वह जो कि सेकेंड नंबर वाला ब्रांच वाला रह जाता है, तो इस साइड से काउंट करेंगे, और इस साइड से अगर काउंट करते हैं तो इसकी जो कॉमन नेम है इस तरह से रह जाएगा। इसकी कॉमन नेम की बात कर ले, वन टू टू को क्या बोले थे, यहां पर वन है, ये अल्फा बीटा और गामा रह जाता है, अल्फा पोजिशन पर मिथाइल तो जिसे अल्फा मिथाइल लिखते हैं, और उसके बाद वन टू थ्री फोर और फोर को जो कि ब्यूटेनल्डिहाइड कहा जाता है, इस तरह से लिख देंगे। और अगर इसकी आईयूपीएक के नाम बात किया जाए तो वन टू तो यहां पर रह जाएगा टू मिथाइल, और वन टू थ्री फोर फोर को लिखा जाता है ब्यूटे, सिंगल बॉन्ड है तो नल, और यहां पर अल जोड़ देते हैं जिनका नाम टू मेथाइल ब्यूटेनल रह जाता है। एक और बात कर ले, इस तरह से अगर इनकी कार्बन की संख्या की बात किया जाए तो वन टू थ्री फोर है, अब इसके अगर कॉमन नेम की बात कर ले तो इनकी कॉमन नेम इस तरह से क्रिटोनेल्डिहाइड, और इसकी क्रिटोनेल्डिहाइड की अगर आईयूपीएसी के नाम की बात किया जाए
तो इसकी आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर इस तरह से रह जाएगा, 1, 2, 3, 4, और 4 है उसे इस तरह से ब्यूट लिखा जाता है। और देखिए यहां पास 1, 2, 3, 4 टू नंबर पोजीशन पर इन वाला आ गया, तो यहां पास 2 इन लिखेंगे। फंक्शनल ग्रुप की बात कर ले तो एल्डिहाइड, तो इसे जो कि नल लिख देंगे यहां पास और अल, तो इसका नाम जो कि ब्यूटोइनॉल, इसका ब्यूटी ब्यूट टू इनॉल, इनका जो कि आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर हो जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो और भी पढ़ाया जाता है बेंजल्डिहाइड, इस तरह से देख ले, इस बेंजल्डिहाइड की बात कर ले तो 1, 2, 3 पोजिशन पर जो कि ब्रोमो है, और यह जो कि अगर देखा जाए तो यह साइक्लो पोजिशन पर है, साइक्लोहेक्सेन पोजिशन पर है, तब इनकी आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर इस तरह से हो जाएगा, 3 ब्रोमो, उसके बाद यहां पर 6 है तो 6 को बोला जाता है हेक्से, और एक यहां पास साइक्लो पोजीशन पर है, और साइक्लो पोजीशन पर जो कि हेक्सेन है, उसके बाद यहां पास फर्स्ट पोजीशन पर एक कंपाउंड फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है जिसे इस तरह से कार्बेल्डिहाइड कहा जाता है। तो इनकी अगर आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर की बात कर ले तो इस तरह से 3 ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड रह जाता है। उसके अलावा जो फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है वह देखिए 1, 2, 3 टाइम्स है। अब 3 टाइम्स फंक्शनल ग्रुप होने से इसकी आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर इस तरह से कर दी। तो सबसे पहले तो इनकी ब्रांच देखिए पास कहां से पढ़ने वाला है, फंक्शनल ग्रुप को छोड़ देते हैं, यहां पास 1, 2, 3, 4 है, और 4 को जो कि ब्यूट कहा जाता है, और सिंगल बॉन्ड है तो वह ब्यूटेन फॉर्म पर है। उसके बाद यहां पर फंक्शनल ग्रुप 1, 2, 3 है, इनकी पोजीशन की बात कर ले तो 1, 2 और यहां पर फोर्थ नंबर पर है, और 1, 2, 3 को बोला जाता है ट्राई भी बोला जाता है। उसके बाद ट्राई कार्बेल्डिहाइड, कार्बेल्डिहाइड इनकी जो कि आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर हो जाता है। तो इस तरह से इनकी आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर किया जाता है। चलिए इस एल्डिहाइड की जो कि एरोमेटिक फॉर्म की बात कर ले, चलिए यहां पर एग्जांपल जो कि एरोमेटिक एल्डिहाइड होता है उनकी देख ले। तो सबसे पहले इस तरह से बात कर ले कि जो एरोमेटिक एल्डिहाइड होता है उसकी अगर चाहे तो कॉमन नेम हो या फिर उसकी आईयूपीएसी नेम हो, दोनों को लगभग सेम लिखा जाता है। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर पर बात करें तो इस पर नंबर काउंट किया जाता है, इनकी बात कर ले तो इस पर जो कि पोजीशन काउंट किया जाता है, पोजीशन की बातें करें तो यहां पर अल्फा, बीटा और इस तरह से गामा की बात किया जाता है। तो इस तरह से अगर देखें एल्डिहाइड में तो सिंपल सी इनकी आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर रहता है। अगर इस तरह से जो कंपाउंड बेंजीन है और इस बेंजीन के साथ CHO जुड़ जाए, तब CHO जुड़ने से एल्डिहाइड है, और इस तरह से जो बचा हुआ कंपाउंड है उसे बेंजीन का उत्पन्न कहा जाता है, तब इसे जो कि बेंजीन कहा जाता है। तो यहां पर बेंजीन और यहां पर एल्डिहाइड, तो बेंजल्डिहाइड कहा जाता है, इस तरह से इनका नाम। तो देखिए सबसे एग्जांपल नंबर फर्स्ट सेम कंपाउंड की दिया गए हैं, इसका क्या बोले थे बेंजीन है, तो इनका नाम जो कि बेंजल्डिहाइड हो जाता है। इस सेकेंड नंबर की बात कर ले आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, यहां पर अगर इस सेकेंड नंबर की बात कर ले तो यहां पर देखे तो 1, 2 पोजीशन पर, 3, 4, 5, 6 की पोजीशन है इसकी। अब इस तरह से नंबरिंग के अकॉर्डिंग देखे 2 पोजीशन पर क्या है, यहां पर 2 हाइड्रोक्सी है, 2 हाइड्रोक्सी, और इसको क्या बोले थे जो कि अभी जस्ट बेंजल्डिहाइड, तो यहां पर 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड इनका जो कि आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर रह जाता है। उसके अलावा इसकी कॉमन नेम की बात कर ले तो पोजीशन डाल ले 1, 2, यहां पर पोजीशन देखे 2 पोजीशन पर है तो यहां पर आर्थो पोजीशन पर है, तो आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड रह जाते हैं, इस तरह से बेंजल्डिहाइड इनकी जो कॉमन नेम रह जाते हैं। तो यहां पर कॉमन नेम हो या आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर हो दोनों लगभग समान रहते हैं। हम लोग यहां पर बात करने हैं आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर की।
तो इस तरह से अगर कंपाउंड थर्ड नंबर की एग्जांपल देख लें, तो इनकी एग्जांपल इस तरह से दिया गया है। तो यहां पर 1, 2, 3, 4 पोजीशन पर जो कि मेथेन है, मिथाइल है, तो यहां पर लिख दे 4-methyl, और सेम टू सेम बेंजल्डिहाइड, तो यहां पर बेंजल्डिहाइड। यही उनकी आई क्वेश्चन नाम क्लचर आ जाता है। कॉमन नेम की बात कर ले तो अर्थोमीटर और पैरा, पैरा मेथिल बेंजल्डिहाइड रह जाएगा। चलिए इनकी बात कर ले, इस तरह से एग्जांपल की अगर बात कर ले तो देखिए इस पर क्या हो रहा है, कार्बन नंबर 1, 2 दूसरा कंपाउंड आ गया, उसको साइड ही रख दे। तो साइड रखने से दो पोजीशन पर जो कि, अच्छा इस कंपाउंड को जो कि साइड ब्रांच में जुड़ा हुआ है तब यह बेंजल्डिहाइड नहीं है, यहां पर यह कंपाउंड C6H5 है, और हमें पता है C6H5 तो उसे फेनिल कहा जाता है। तब इसकी आईयूपीएसी नामकरण 2-phenyl है, और यहां पर देखा जाए 1, 2 और 2 को क्या बोला जाता है, एसिटाल्डिहाइड। तो इनकी आईयूपीएसी नामकरण इस तरह से रह जाता है, 2-phenyl एसिटाल्डिहाइड इसकी आईयूपीएसी नामकरण रहता है। इस तरह से और बात कर ले, फंक्शनल ग्रुप इस तरह से बेंजल्डिहाइड, कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 नंबर पर मिथाइल ग्रुप है या मेथॉक्सी ग्रुप है, 3-methoxy बेंजल्डिहाइड। तो इस तरह से इनकी IUPAC नॉमेनक्लेचर पढ़ा जाता है। चलिए देखते हैं यहां पास आगे कीटोन की IUPAC नॉमेनक्लेचर। चलिए चलिए यहां पर बात करें इस तरह से जो कीटोन है उसकी IUPAC नामकरण की। तो देखिए कीटोन में अंतिम में ओन शब्द को जोड़ा जाता है IUPAC नामकरण के लिए, तब वह जब कंपाउंड है उसके साथ ओन लिख देंगे। और इनकी कॉमन नेम की बात किया जाए तो इनकी कॉमन नेम पर जो कि कीटोन शब्द को एड ही किया जाता है। तो चलिए यहां पर देखें इस तरह से एलिफेटिक और एरोमेटिक की बातें करते हुए, एक और बातें हैं यहां पर, जब इस तरह से जो कीटोन है उसकी जो कार्बन की वैलेंसी दो अलग अलग एटम या सेम एटम से जो कि वैलेंस होगा, सेम एटम रहे तो डाई लिखा तो जा सकता है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट हो, जैसे कि इस तरह से मेथेन है और यह जो कि एथेन है, तो इसमें देखेंगे मेथेन या एथेन अल्फाबेटिकल के अकॉर्डिंग ए या मे, एम या ई, जो पहले आएगा उसको पहले लिखेंगे, जैसे कि मेथेन एथेन कीटोन, इस तरह से इनके IUPAC नामकरण लिखेंगे। चलिए फर्स्ट नंबर इस तरह से देख ले, यहां पर अगर बात करें तो यहां पर 1, 2, 3 कार्बन है। इसकी अगर कॉमन नेम की बात कर ले तो इनकी कॉमन नेम इस तरह से रह जाते हैं, इसे जो कि एसीटोन कहा जाता है। उसके साथ साथ इसकी कॉमन नेम इस तरह से कि इसे बोल देंगे डाई मेथिल कीटोन, भी इनकी जो कि IUPAC कॉमन नेम रह जाते हैं। लेकिन इसकी अगर IUPAC नेम की बातें करें तब इनकी IUPAC नामकरण 1, 2, 3 और 3 को जो कि बोला जाता है प्रोप, और प्रोप में जो कि यह कंपाउंड जुड़ा हुआ है ओन वाला, तो जिसे प्रोपेनोन कहा जाता है। तो इसमें लिख देंगे 3 है तो 3 को जो कि प्रोपेन सिंगल बॉन्ड नॉन इस तरह से जोड़ते हुए प्रोपेनोन इसकी IUPAC नामकरण रहता है। इसे इस तरह से भी और लिखा जा सकता है अगर चाहे तो, 1, 2 पोजीशन पर है और ऐसे तो प्रोप ही है और यहां पर सिंगल बॉन्ड एन है, फिर जो कि 2 पोजीशन पर है और 2 पोजीशन पर जो कि जुड़ा हुआ है 1, तो इसे इस तरह से भी लिखा जाता है प्रोपेन 2-1 भी लिखा जाता है, और जो कि इस तरह से प्रोपेनोन लिखते हैं वही चलता है यहां पर। इनकी अगर बात कर ले लंबी श्रृंखला यहां पास देखिए तो 1, 2, 3, 4 है, और 4 की अगर कॉमन नेम की बात कर ले तो इसकी नाम जो कि मिथाइल है, इनका नाम जो कि एथाइल है, तब इनकी कॉमन नेम इस तरह से रहेगा जो कि ई वाला शब्द पहले आ जाएगा, तो यहां पास रह जाएगा एथाइल मिथाइल, और लास्ट में इनकी कीटोन शब्द को लिख देंगे, तो इस तरह से इसकी कॉमन नेम एथिल मिथिल कीटोन रह जाएगा। अगर इसकी IUPAC नेम की बात कर ले तो इनकी IUPAC नेम इस तरह से रहेगा 1, 2, 3, 4, 4 को बोला जाता है ब्यूट, तो यहां पर ब्यूट सिंगल बॉन्ड है तो एन, और यह कीटोन फंक्शनल ग्रुप है तो यहां पर ओन भी जोड़ देने से इनकी IUPAC नाम जो कि
ब्यूटेनॉन रह जाते हैं। इस तरह से कंपाउंड की बात कर ले तो लंबी श्रृंखला 1, 2, 3, 4, 5 है। इसके अगर कॉमन नेम की बात कर ले तो कॉमन नेम जो कि इनका नाम मिथाइल है और इनका नाम 1, 2, 3 को बोला जाता है प्रोप। तो यहां पर इसका नाम जो कि एम और पी में अगर बात कर ले तो एम पहले वाला है तो यहां पर नाम रह जाएगा मिथाइल प्रोपाइल कीटोन, इनकी जो कि कॉमन नेम है। अगर इसकी आईयूपीएसी के नाम की बात किया जाए तो 1, 2, 3, 4, 5 को बोला जाता है पेंट। और इस तरह से इनकी आईयूपीएसी नाम के लिए चलेंगे 1, 2 पोजिशन पर जो कि ओन शब्द लगने वाला है। तो यहां पर जो कि 5 कार्बन है तो पेंट एन ई हट गए, यहां पर 2 ओन। इस तरह से इनकी आईयूपीएसी नेम लिखा जाता है पेंटेन पेंटेन ओ टू ओन इनकी आईयूपीएसी नाम के लिए। यहां पर बात कर ले कार्बन के नंबर 1, 2, 3, 4, 5 कॉमन नेम की बात करें एथाइल एथाइल तो यहां पर लिखेंगे डाई एथाइल कीटोन, डाई एथाइल कीटोन। यह तो सिंपल रहा 1, 2, 3, 4, 5। 5 के लिए क्या बोले थे हम लोग अभी जस्ट पेंट सिंगल बॉन्ड एन और यहां पर कार्बो, यहां पर जो कंपाउंड है कार्बोनिल की ऑक्सीजन या कीटोन की ऑक्सीजन वह 3 पोजिशन पर है पेंट 3 नॉन। इस तरह से इसकी बात करें तो यह जो कि फेनिल है, इनकी बात करें तो यह मेथिल है। फेनिल और मेथिल दोनों में अगर बात करें तो मेथिल को पहले लिखा जाएगा तो इनका नाम जो कि मेथिल फिनिल कीटोन रह जाएगा। मेथिल फिनिल कीटोन और इस मेथिल फिनिल जो कीटोन है इसकी अगर आईयूपीएसी नामकलेचर की जगह अगर कॉमन नेम या आईयूपीएसी नामकलेचर की अगर और भी बात कर ले तो इसे एक और शब्द बोला जाता है जिसे एसिटोफिनाल कहते हैं। एसिटोफिनाल क्योंकि दो कार्बन है एसिटो और यहां पर फिनाइल जुड़ा हुआ है तो यह इसके आईयूपीएसी का नाम रह जाता है एसिटोफिनाल। इसके अगर कॉमन नेम की बात किया जाए तो यहां पर एक फिनिल ग्रुप सेकेंड फिनिल ग्रुप तो यहां पर इसका कॉमन नेम डाइफेनिल है और जो कि कीटोन है तो डाइफेनिल कीटोन रह जाता है। अगर इसकी आईयूपीएसी के नाम की बात करें तो इसे जो कि बेंजोफिनाल कहा जाता है, बेंजोफिनाल इसकी आईयूपीएसी नाम रह जाता है। इनकी अगर बात कर ले यह कंपाउंड एथिल ग्रुप है, यह जो कि फेनिल ग्रुप है तब इसकी कॉमन नेम ई पहले रह जाएगा, इसकी नाम एथिल फेनिल कीटोन, इनकी आईयूपीएसी इसकी कॉमन नेम रह जाता है। तो इस तरह से जो इनकी कॉमन नेम एथिल फेनिल कीटोन रह जाते हैं। तो इस तरह से हमने जो कि आज टोटल एल्डिहाइड और कीटोन की जो कि आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के साथ साथ उसकी कॉमन नेमिंग की बात की, क्योंकि यह जो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर या जो इसकी कॉमन नेम है वह आगे बहुत सारे केमिकल रिएक्शन और मेथड ऑफ प्रिपरेशन पर काम आने वाला है। तो चलिए हमारे अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को शेयर करें। थैंक यू।